Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, freelancing and blogging. Today in this video, I would be telling you all about how to rewrite articles or how to do article spinning. This video would be a complete walkthrough जहां मैं तुम्हें वो सही तरीका बताऊंगी articles rewrite करने का. इस तरीके को use करके you can be always sure कि तुम्हारे article का SEO score effect नहीं होगा, readability score effect नहीं होगा और plagiarism score हमेशा zero आएगा. इसके अलावा मैं तुम्हें एक ऐसा टूल बताऊंगी जो कि हमेशा तुम्हें 100% यूनिक और क्वालिटी आर्टिकल देगा. दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ब्लॉगर्स क्योंकि उन्हें हमेशा अपने आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग कंटेंट चाहिए होता है और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल कॉन्टेंट भी चाहिए होता है. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू नो द सीक्रेट स्पाइसेस ऑफ कॉन्टेंट, फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग. First thing first, what is article rewriting or article spinning? It is a technique to use different words to say the same thing. अब जो rewriting software tools होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी existing content के words या lines को उनके synonyms के साथ exchange कर देते हैं. But at the same time they make sure कि उस article का information change ना हो. अब काफ़ी सारे ऐसे bloggers हैं जिनको content writing करना नहीं आता है या जिनके पास budget नहीं है कि वो content writers को hire कर सकें या उनको काफ़ी सारा content चाहिए होता है. वो लोग इन article rewriting software tools को use करते हैं और unique content बनाते हैं. And you can also do the same. This is a good technique to get a bunch of articles. आर्टिकल रीराइटिंग या आर्टिकल स्पिनिंग करना उतना ईजी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है अगर तुम्हें 100% यूनिक आर्टिकल चाहिए. मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स हैं जो कि अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर हर एक रीराइटन आर्टिकल को जाके तुम मैनुअली चेक करो. अब मैनुअली चेक करते टाइम यू हैव टू फोकस ऑन फोर थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज़ प्लेजरिज्म. अब ये बात तो श्योर है कि जो तुमने आर्टिकल रीराइट करा है उसका कॉन्टेंट कहीं ना किसी वेबसाइट से तो उठाया होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर जो तुम्हारा रीराइट आर्टिकल है उसका प्लेजरिज्म स्कोर 0% से 4% के बीच में ही हो. द सेकेंड थिंग इज चेक द SEO. जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं रीराइटिंग के, ये काफ़ी बार तुम्हारे SEO को डिस्टरप्ट कर देते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर तुम कंट्रोल प्लस F करके अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स की डेंसिटी मैनुअली चेक करो. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज कंसिडर शफलिंग द पैराग्राफ्स और द हेडिंग्स. अब ये जो रीराइटिंग टूल्स होते हैं ये सेम ऑर्डर में रीराइटिंग करते हैं, वो पैराग्राफ्स को शफल नहीं करते. सो वॉट यू कैन डू इज अपने आर्टिकल को यूनिक बनाने के लिए उनकी हेडिंग्स या उनके पैराग्राफ्स को शफल करो. एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ किसी वेबसाइट ने बेनिफिट्स पहले लिखे हैं तो तुम कोशिश करो तुम बेनिफिट्स वाला जो पैरा है या जो बेनिफिट्स वाली हेडिंग है उसको बीच में डालो या उसको बॉटम में डालो अपने कंटेंट में. अब द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ चेंजिंग द हेडिंग्स मैनुअली. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप. अब तुम्हारे आर्टिकल में जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको जाके तुम मैनुअली चेंज करो. अब ऐसा क्यों करना चाहिए कि सपोज़ अगर कोई रीडर है जो जहाँ से तुमने कंटेंट लिया है उस वेबसाइट का कंटेंट पढ़ने के बाद तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो चांसेस हैं कि उसको ऐसा लगे कि इन दोनों वेबसाइट्स का कंटेंट सेम है. एंड दैट इज़ व्हाई यू शुड ऑलवेज चेंज द हेडिंग्स. उनको पैराफ्रेज कर दो, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं करना. सिर्फ मैक्सिमम 6 या 7 हेडिंग्स होती हैं हर एक आर्टिकल में, उनको तुम मैनुअली जाके पैराफ्रेज करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेगा. सो मेक श्योर कि तुम इन चारों चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर करो हर एक आर्टिकल को रीराइट कराने के बाद. Alright, now let's move to the article rewriting tools. But उसके पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी. मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो article rewriter, small SEO tools या prepostseo.com जैसी वेबसाइट्स सजेस्ट करते हैं article rewriting के लिए. But I would personally never recommend those sites. और मैं उनको recommend क्यों नहीं करूँगी वो भी तुम्हें मैं दिखाती हूँ. Let's go to the laptop and see वो sites तुम्हें क्यों नहीं use करनी चाहिए. अब यहाँ पे मैंने healthline.com से एक नोटपैड में आर्टिकल कॉपी करके ऑलरेडी रखा है. दैट आर्टिकल इज़ ऑन वाई एग्स आर अ किलर वेट लॉस फूड. अब मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करती हूँ और स्मॉल SEO टूल के आर्टिकल रीराइटर में डालती हूँ. अब यहाँ पे ये smallseotool.com का आर्टिकल रीराइटर है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके ये आर्टिकल रीराइट कराती हूँ. फिर तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें ये टूल्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए. अब ये देखो यहाँ पे ये आर्टिकल रीराइट हो गया है
और ये उसका रिजल्ट है। अब तुम ये देखो, इस पूरे आर्टिकल्स में ये जो वर्ड्स तुम्हें कलर दिख रहे हैं सिर्फ यही रीराइट हुए हैं, उसके अलावा सारे वर्ड्स सेम टू सेम एज इट इज़ हैं। ये देखो, वाई एग्ज़ आर किलर वेट लॉस फूड, सेम वाई एग्ज़ आर किलर वेट लॉस फूड, एग्ज़ आर द अमंग द हेल्दीस्ट फूड यू विल ईट, सेम थिंग्स, ओनली ये कलर्ड वर्ड्स चेंज हुए हैं। और अब इन कलर्ड वर्ड्स की डेंसिटी देखो कितनी कम है, तो आई बिलीव ये मुश्किल से 30% रीराइट हुआ होगा। एक सबसे पहला रीज़न इन टूल्स को यूज़ नहीं करने का, क्योंकि इनका रीराइटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, इट इज़ लाइक मिनिमल। अब दूसरा रीज़न बताती हूँ। अब यहाँ से मैं इस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करती हूँ प्लेजरिज्म टूल में। यहाँ से मैंने ये आर्टिकल कॉपी करा और इसका मैं प्लेजरिज्म चेक करके तुम्हें दिखाती हूँ। अब मैंने duplichecker.com में इसको यहाँ पे पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद देखते हैं इसका प्लेजरिज्म कितना निकलता है। अब ये देखो, इसका प्लेजरिज्म परसेंट 36% दिखा रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज। इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि मैंने ये फ्री duplichecker.com यूज़ करा है इसीलिए 36% दिखा रहा है, पर इसका रियलिटी में प्लेजरिज्म इज़ अबव 50%। एंड अगर तुम ऐसे रीरिटन आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो तुम्हारी साइट एडवर्सली इफेक्ट होगी, इनफैक्ट तुम्हारी साइट रैंक ही नहीं करेगी। इसलिए नाउ आई विल टेल यू द टूल दैट इज़ वर्थ यूजिंग to generate unique articles. Now, अगर तुम regularly article rewriting करते हो तो I would suggest you to buy a paid tool. Paid tool जैसे कि word AI या spin rewriter. ये सारे tools काफ़ी अच्छे हैं, quality wise अच्छे हैं, अच्छी rewriting करते हैं, but ये सारे काफ़ी expensive हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा research के बाद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा tool लेके आई हूँ जो कि काफ़ी reasonable है और तुम्हें हमेशा high quality rewritten content देगा। उस टूल का नाम है चिम्प री राइटर। चिम्प री राइटर इज़ अ टूल दैट गिव्स यू अ 15-day इज ट्रायल प्लान, एंड दे ऑल्सो हैव देयर मंथली एंड ईयरली प्लान्स। अब जो इसका मंथली प्लान है दैट इज़ ओनली फॉर $15, और इसके अलावा तुम्हें ये स्टार्टिंग में एक 15-day का ट्रायल प्लान भी देता है। सो अगर तुम न्यूबी ब्लॉगर हो तो आई वुड सजेस्ट इसका 15 days वाला फ्री ट्रायल प्लान लो, और 15 days में 100-200 तुम्हें जितने भी बल्क में आर्टिकल चाहिए वो सारे जनरेट कर लो। तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि तुम चिम्प रीराइटर से आर्टिकल रीराइट कैसे कर सकते हो। ये chimpwriter.com की वेबसाइट है, तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना है और फिर ट्राई इट फॉर फ्री ऑप्शन पे क्लिक करना है। तुम यहाँ पे अपना नेम डालना और ईमेल एड्रेस डालना, फिर तुम्हें एक इसका जो 14 days का ट्रायल पैक है उसका डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर तुम वहाँ से चिम्प राइटर को 14 days के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हो। अब मैंने अपने लैपटॉप पे ऑलरेडी चिम्प राइटर डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली वहाँ से दिखाती हूँ। अब ये चिम्प री राइटर टूल है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे जो वेलकम पेज आता है जहाँ पर वो डेली अपडेट्स अपनी बताते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, और अब बताती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे आर्टिकल रीराइट कैसे करना है। इसके लिए तुम्हें पहले फाइल पे जाना होगा, फिर वहाँ यहाँ से न्यू टैब पे। न्यू टैब पे जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा टैब ओपन हो जाएगा। अब सपोज अगर हम यहाँ से एक, ये मैंने ऑलरेडी आर्टिकल ओपन करा हुआ है, इस आर्टिकल को मैं कॉपी करती हूँ नोटपैड में। फिर नोटपैड से इसको कॉपी करती हूँ चिम्प रीराइटर में। मैंने यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आके तुम्हें ये जो स्पेस है यहाँ पे अपना जो भी आर्टिकल रीराइट करना है या जो भी कंटेंट रीराइट करना है उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो रीराइट ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। इसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है वन क्लिक रीराइट का, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे मिनिमम सिनोनिम क्वालिटी बेस्ट रखनी है। फ्रेजेस अगर तुमने कोई ऐड करे हुए हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट सेम। इसके अलावा ग्रामर चेक पे टिक करना है, रीराइट रिमूव इस पे टिक करना है, एंड मेक श्योर तुम इस पे टिक ना करो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर पैराग्राफ्स। अगर तुम एक पूरा चंक ऑफ आर्टिकल रीराइट करने जा रहे हो, अगर तुम छोटे छोटे पैराग्राफ्स रीराइट कर रहे हो तो उनको रीऑर्डर कर सकते हो। और फिर डू नॉट स्पिन प्रॉपर नाउन, जैसे कि नेम्स वगैरह होते हैं ताकि वो सब चेंज ना हो, तो तुम्हें इस पे भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें बैलेंस सेलेक्ट करना है और फिर ऑटो रीराइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब विद इन आई गेस 30-40 सेकेंड्स ये तुम्हारा पूरा आर्टिकल रीराइट हो जाएगा। अब ये हमारा आर्टिकल ऑलमोस्ट रीराइट हो गया। अब ये देखो, इसका रीराइटिंग पावर और उसके रीराइटिंग पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे था SEO ऑप्टिमाइजेशन, लर्न टू ऑप्टिमाइज SEO, दिस गाइड विल बी एन इंट्रोडक्शन टू एन ओवरव्यू ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे चेक करो, दिस गाइड विल अनडाउटेडली बी एन इंट्रोडक्शन टू एन समरी ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सब कुछ मतलब चेंज हो गया है, कुछ भी सेम सा नहीं बचा है। कॉन्टेक्स्ट सेम है, पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो कितनी डिफरेंट हो गई हैं। अब सेम तरीके से अब हम ये जो रीराइट करा हुआ आर्टिकल है इसका भी प्लेजरिज्म चेक करके कर लेते हैं। सपोज मैंने ये फर्स्ट 1000 वर्ड्स यहाँ तक कॉपी करे, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, अब मैं इसको सेम डुप्ली चेकर में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसका प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, और यहाँ से प्लेजरिज्म चेक करा। अब मैंने सिर्फ 1000 वर्ड्स चेक करे थे क्योंकि इस प्लेजरिज्म टूल में एक बार में सिर्फ हम 1000 वर्ड्स चेक कर सकते हैं। अब उन 1000 वर्ड्स में हमें 7% प्लेजरिज्म निकला है एंड दैट इज़ क्वाइट लेस। और ये 7% भी बेसिकली इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे कि SEO और ऑप्टिमाइजेशन, जिनको चेंज नहीं करा जा सकता है, सो इस वजह से निकला। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू जितना भी प्लेजरिज्म लिखा है उनको तो मैनुअली जाके क्रॉस चेक करना और अकॉर्डिंगली एडिट कर लेना। अब इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स हैं जो तुम्हें मैं दिखाना चाहूँगी, वो फीचर्स हैं इसके सिनोनिम चेक करने के या वर्ड्स चेंज करने के। अगर हम यहाँ पर जाएं, इस वर्ड पे जाएं, जैसे अनडाउटेडली, अब यहाँ पे इसके हमें सिनोनिम्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। हम यहाँ से पर्टिकुलर वर्ड्स का सिनोनिम्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सपोज़ हमें लग रहा है कि हमें ये हेडिंग चेंज करनी है तो हम इसके लिए ये भी इसके सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें एग्जैक्टली वर्ड चेंज करना है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा तो रियली, क्वाइट, एक्सक्लूसिवली, यहाँ पे हमें इसके सिनोनिम्स मिल गए। तो हम ऐसे करके इसकी हेडिंग्स भी एक पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब अगर तुम ऐसे आर्टिकल रीराइट करोगे तो आई एम वेरी श्योर वो काफ़ी यूनिक जाएगा। अब इसके अलावा सपोज़ अगर तुम्हें बल्क में आर्टिकल रीराइट करने हैं तो चिम्प रीराइटर में वो भी एक ऑप्शन होता है। तुम एक साथ 10, 15, 20 आर्टिकल्स भी रीराइट कर सकते हो। अब वो कैसे करते हो वो मैं दिखाती हूँ। मैं यहाँ एडवांस्ड ऑप्शन में जाऊँगी उसके लिए, और मैंने बल्क आर्टिकल रीराइट करने के लिए तुम्हें अपने लैपटॉप में ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना यहाँ पे लैपटॉप में एक ये म्यूज़िक में एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना लिया है सैम्पल आर्टिकल रीराइट। इसमें मैंने 3 आर्टिकल्स डाले हैं जो कि मुझे रीराइट करने हैं। मैंने दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 3 आर्टिकल्स डाल दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनको सिंगल सिंगल जाके मैनुअली रीराइट ना करके एक साथ रीराइट कर लूँ। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द एडवांस्ड ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद बल्क स्पिन डायरेक्टरी, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा टैब ओपन होगा। यहाँ पे सोर्स पाथ हमारा सेम रहेगा। उसके बाद सपोज तुम्हें यहाँ पे एक्सपोर्ट का पाथ चेंज करना है तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड कर लो, मेक न्यू फोल्डर नॉट हियर, ओके, सेम जगह पे हम न्यू फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हमारे ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया स्पिन्ड आर्टिकल्स का। अब यहाँ पे इसी फोल्डर में जो स्पिन आर्टिकल होंगे वो जाके एक्सपोर्ट होंगे, मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अब उसके बाद स्पिन फाइल्स बिफोर एक्सपोर्टिंग यहाँ पे क्लिक करा, उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लें। मिनिमम सिनोनिम क्वालिटी बेस्ट, ग्रामर टिक, रीराइट टिक, डू नॉट स्पिन प्रॉपर नाउन्स, रन स्पिन क्लियर अपॉन कंप्लीशन, ओके। अब यहाँ पे फिर इसके बाद तुम्हें बैलेंस करना है और फिर अप्लाई सेटिंग्स।
अब ये देखो हमारा स्पिन कंप्लीट हो गया है। अगर हम जाके फोल्डर में चेक करेंगे तो हमें ऑलरेडी वहाँ पे 3 स्पिन आर्टिकल्स मिलेंगे। अब ये जो हमारा स्पिन आर्टिकल्स हैं इसमें हम जाएंगे तो हमें ये मेरा सॉरी पहले का फोल्डर है, ये देखो ये 3 स्पिन आर्टिकल्स मिल गए। है ना इजी टेक्निक आर्टिकल्स को बल्क में स्पिन करने की, बट अगेन आई वुड से आर्टिकल्स को स्पिन करने के बाद मैनुअली चेक ज़रूर करना अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ दी स्पिनिंग टूल्स टू राइट योर प्रमोशनल कॉन्टेंट और टू राइट योर सपोर्टिंग आर्टिकल्स। दीज आर नॉट द बेस्ट थिंग्स टू राइट योर मेन कॉन्टेंट, बट अगर फिर भी तुम्हें किसी भी वजह से ये आर्टिकल री राइटिंग टूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं अपना मेन कॉन्टेंट लिखने के लिए, तो उसको यूज़ करने का भी एक सीक्रेट तरीका है। अब ये जो सीक्रेट तरीका है इसमें तुम्हें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट आई कैन गारंटी यू जो तुम्हारा आर्टिकल री रिटन आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलो देखते हैं कि तुम सीक्रेट तरीके से कैसे आर्टिकल रीराइट कर सकते हो। नाउ कम्स द सीक्रेट टिप। अगर तुम्हें एक ओरिजिनल कंटेंट लिखना है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ है उसको यूज़ करके, तो व्हाट यू हैव टू डू, सपोज अगर मैं एक आर्टिकल लिखने जा रही हूँ व्हाट इज़ अर्थराइटिस पे, सो मैं पहले उसको यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करने के बाद जो पहले की 3, 4 या 10 जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको एक न्यू टैब में ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 3 ओपन कर रही हूँ। तुम कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करो। सपोज़ मैंने ये शुरू की, 4 वेबसाइट्स ओपन कर ली। अब इनको ओपन करने के बाद एक एमएस वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले पहली बारी वेबसाइट से मैंने इंट्रोडक्शन कॉपी करा, यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन कॉपी करा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया अपने एमएस वर्ड में। अब ये अर्थराइटिस का इंट्रो यहाँ कॉपी हो गया। अब तुम इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ व्हाट इज़ अर्थराइटिस वो तुम दूसरी वेबसाइट से कॉपी करना। सपोज़ यहाँ पे ये कॉजेज हैं तो तुम कोशिश करना एक दूसरी वेबसाइट से कॉजेज कॉपी करो, सेम यहाँ पे कॉपी करना और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। सेम वे अगर हम इसकी थर्ड वेबसाइट पे आए तो सपोज इसने यहाँ पे व्हाट इज़ अर्थराइटिस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ये अर्थराइटिस वाला चीज़ उठाएंगे और फिर यहाँ पे क्योंकि व्हाट इज़ अर्थराइटिस कॉजेज से पहले होना चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम वे अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हम सिम्टम्स यहाँ से कहाँ एक्सेप्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। टाइप्स यहाँ पे कहीं सिम्टम्स मुझे मिल नहीं रहे हैं। चलो यहाँ से मैंने सिम्टम्स कॉपी कर लिए। अब सिम्टम्स के अलावा जो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरी वेबसाइट से कॉपी करेंगे। अब ये यहाँ पे कॉपी करा और उसके अलावा अगर हम देखें इस वेबसाइट ने और क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस भी एक्सप्लेन करे हैं। नेचुरल रेमेडीज़, तो मैंने नेचुरल रेमेडीज़ वाला पोर्शन यहाँ से कॉपी करा। सो अब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा रही हूँ, चंक्स ऑफ कंटेंट या हेडिंग्स उठा रही हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे जो मेरा कंटेंट होगा यूनिक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि एक वेबसाइट से पूरा कॉपीड है। सो तुम्हें भी सेम ट्रिक करनी है, दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठाना है और उसके बाद उसको एक एमएस वर्ड में पेस्ट कर देना है। अब एमएस वर्ड में पेस्ट करने के बाद अब तुम्हारा जो ये नया यूनिक कंटेंट बना है इसको रीराइट करना है। अगर तुम ऐसे रीराइटिंग करोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हारा कंटेंट यूनिक हो। है ना ये सीक्रेट तरीका है आर्टिकल्स रीराइट करने का। आई एम वेरी श्योर ये वे तो तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सो अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।